इस वक्त की वड्डी खबर स्काई न्यूज़ पंजाब थोनू रूबरू करा रहा है। थोनू दस दिए कि केरला हाई कोर्ट ने कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बारे केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिता है। अदालत ने एक निवासी सी एम पीटर जिसने पटीशन पाई सी उसते फैसला करते हुए यह सुनवाई की है। तो पटीशन यह कहा गया कि कोविड 19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर है वो लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। तो यही स्थिति के प्रधानमंत्री की तस्वीर को कोरोना सर्टिफिकेट तो हटा देना चाहिए। तो जो पटीशन करता से उसने संयुक्त राज अमरीका इंडोनेशिया इजराइल और जर्मनी के समेत वख-वख देशों तो वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट इकट्ठा करके दिखाए थे। तो यह कहा कि इन्हों के देखो सिर्फ जरूरी जानकारी लिखी हुई है ना कि किसी सरकार के मुखी की तस्वीर लगाई हुई है। तो फिर भारत देश के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से क्यों नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई जा रही है? कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीर लगाई गई है उस सिलसिले के केंद्र सरकार को केरल हाई कोर्ट ने नोटिस भेज दिता है। तुम दस दिए कि पटीशन पाई गई थी जिस दे विच ये कहा गया सी कि मौलिक अधिकारों की उल्लंघना की जा रही है जो कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ते नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई है। तो यह जी स्थिति दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर है कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ने उन्होंने हटा देनी चाहिए है क्योंकि होर भी देश ने उन्होंने भी कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी किए गए थे। उन्होंने सिर्फ जरूरी जानकारी लिखी गई थी ना कि सरकार के किसी मुखी की तस्वीर लगाई गई है। फिर भारत देश के क्यों इस तरह का किया गया इस सिलसिले के केरल हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिता। इस वक्त की वड्डी खबर स्काई न्यूज़ पंजाब थोनू रूबरू करा रहा है। थोनू दस दिए कि केरल हाई कोर्ट ने कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बारे केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिता है। अदालत ने एक निवासी सी एम पीटर जिसने पटीशन पाई सी उसते फैसला करते हुए यह सुनवाई की है। तो पटीशन यह कहा गया कि कोविड 19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर है वो लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। तो यही स्थिति के प्रधानमंत्री की तस्वीर को कोरोना सर्टिफिकेट तो हटा देना चाहिए। तो जो पटीशन करता से उसने संयुक्त राज अमरीका इंडोनेशिया इजराइल और जर्मनी के समेत वख-वख देशों तो वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट इकट्ठा करके दिखाए थे। तो यह कहा कि इन्हों के देखो सिर्फ जरूरी जानकारी लिखी हुई है ना कि किसी सरकार के मुखी की तस्वीर लगाई हुई है। तो फिर भारत देश के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से क्यों नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई जा रही है? कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीर लगाई गई है उस सिलसिले के केंद्र सरकार को केरल हाई कोर्ट ने नोटिस भेज दिता है। तुम दस दिए कि पटीशन पाई गई थी जिस दे विच ये कहा गया सी कि मौलिक अधिकारों की उल्लंघना की जा रही है जो कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ते नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई है। तो यह जी स्थिति दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर है कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ने उन्होंने हटा देनी चाहिए है क्योंकि होर भी देश ने उन्होंने भी कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी किए गए थे। उन्होंने सिर्फ जरूरी जानकारी लिखी गई थी ना कि सरकार के किसी मुखी की तस्वीर लगाई गई है। फिर भारत देश के क्यों इस तरह का किया गया इस सिलसिले के केरल हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिता। इस वक्त की वड्डी खबर स्काई न्यूज़ पंजाब थोनू रूबरू करा रहा है। थोनू दस दिए कि केरल हाई कोर्ट ने कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बारे केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिता है। अदालत ने एक निवासी सी एम पीटर जिसने पटीशन पाई सी उसते फैसला करते हुए यह सुनवाई की है। तो पटीशन यह कहा गया कि कोविड 19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर है वो लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। तो यही स्थिति के प्रधानमंत्री की तस्वीर को कोरोना सर्टिफिकेट तो हटा देना चाहिए। तो जो पटीशन करता से उसने संयुक्त राज अमरीका इंडोनेशिया इजराइल और जर्मनी के समेत वख-वख देशों तो वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट इकट्ठा करके दिखाए थे। यह कहा कि इन्हों के देखो सिर्फ जरूरी जानकारी लिखी हुई है ना कि किसी सरकार के मुखी की तस्वीर लगाई हुई है। तो फिर भारत देश के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से क्यों नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई जा रही है?